हेलो दोस्तों, बहुत सारे मेरा जो सब्सक्राइबर है उसने कहा कि कौन सा बिजनेस लोन लिया जाए जिसमें मुझे सब्सिडी मिलेगा, क्योंकि मुद्रा लोन जो है जो बहुत ही पॉपुलर है नाउ डेज, लेकिन उसमें गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी नहीं देता है। तो आज मैं एक ऐसा स्कीम के बारे में बताऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें अप टू 35% तक आपको सब्सिडी मिल सकता है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। वो एक्चुअली रूरल एरिया में बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन आज मैं उनका इन डेप्थ एंड स्टेप बाय स्टेप टोटल उसका जो प्रोसेस है वो उसका आपको डिस्क्राइब करूंगा। ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, और अगर ये देखने के बाद आई होप ये जो स्कीम है इसके बारे में आपको जो भी जानना था वो आप जान चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो चीज है कि कौन ये ले सकता है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसका उम्र 18 साल से ऊपर हो और वो इंडियन हो तो वो ये लोन ले सकता है। ये स्पेशली रूरल एरिया में दिया जाता है। हाँ, अगर प्रोजेक्ट DIC के थ्रू हो रहा है तो आप अर्बन से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक पार्ट है, मतलब कोई भी ये जो प्रोजेक्ट है PMEGP उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा जो चीज है कि कितना लोन आपको मिल सकता है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा अगर ये ट्रेड एंड सर्विस हो, मतलब कोई रिटेल ट्रेड में कोई भी ग्रोसरी या कोई दुकान आप खोलना चाहते हैं जिसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उसमें अप टू 10 लाख आप ले सकते हैं। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कुछ करना चाहते हैं, मतलब कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप 25 लाख तक ये लोन ले सकते हैं। दोस्तों आपको पता है मुद्रा लोन में भी 10 लाख तक आप ले सकते थे, लेकिन मुद्रा लोन में एक ही प्रॉब्लम है कि उसमें कोई गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं है जो PMEGP में है। हाँ, मुद्रा लोन में थोड़ा इंटरेस्ट कम है, PMEGP में जो इंटरेस्ट बैंक का नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट है वो ही लागू होगा, लेकिन इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अप टू 25 लाख तक ले सकते हैं। तो कितना ले सकते हैं ये क्लियर हो चुका है। फॉर ट्रेड एंड सर्विस ओनली 10 लाख एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 25 लाख। अब चलते एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर। अगर आप ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर में 5 लाख तक अप्लाई कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख तक अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी मिनिमम एजुकेशन के बारे में नहीं कहा गया है। अगर आप ट्रेड एंड सर्विस में 5 लाख से ऊपर कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग से में 10 लाख के ऊपर, तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 8 पास होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ओनली क्लास 8 पास, ठीक है। अब जो है कि कौन सा प्रोजेक्ट में आप ये अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे तो प्रोजेक्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पहले ही बताया ये स्मूथली फॉर रूरल एरिया के लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट अर्बन में भी आप सेटअप कर सकते हैं, हाँ आपको घर रूरल में होना चाहिए, लेकिन आप अर्बन एरिया में सेटअप कर सकते हैं अगर ये DIC के थ्रू से हो। तो प्रोजेक्ट मोस्टली बहुत जो जो रूरल एरिया में जो काम बेसिक काम होता है सभी इंक्लूडेड है। मैं उनका जो डिटेल है मैं लिंक में आपको दे दिया है, लेकिन एक ही कंडीशन है कि ये प्रोजेक्ट न्यू होना चाहिए। अगर किसी का एग्जिस्टिंग कोई यूनिट हो तो उनको PMEGP की हेल्प से सब्सिडी और लोन दोनों ही नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो न्यू होना चाहिए, और कुछ एक्सक्लूडेड प्रोजेक्ट है जो आपको मैं बताऊंगा उसमें पड़ता है। पान, बीड़ी, सिगरेट, लिक्वर, इस टाइप का बिजनेस, ये PMEGP का लोन नहीं मिल सकता उन लोगों के लिए। और है कि अगर आपका ऊल का बिजनेस हो जो हाथ में करना पड़ता है, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ता, उसमें आपको PMEGP का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, जैसे पश्मीना ऊल, ऑल दिस ऊल एंड वर्क। और एक चीज़ है जो ट्रांसपोर्ट भी के लिए उनके लिए भी PMEGP का लोन नहीं मिलता है। हाँ, सिर्फ अंडमान निकोबार के लिए साइकिल एंड ऑटो एंड कश्मीर के लिए हाउस बोट, बोट ये दोनों में PMEGP मिल सकता है, बाकी में कोई भी ट्रांसपोर्ट कोई भी व्हीकल के लिए आपको PMEGP का लोन नहीं मिलता है।
और एक चीज़ है कि कोई इंडस जो इन्वायरमेंट इशू का कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऐसा कोई अगर इंडस्ट्री लाइक कैरी बैग, इसमें आपको जो TMEGB का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। और एक जो चीज़ है जिसमें और कोई स्कीम से लोन लेने का ऑप्शन है लाइक सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रबर, टी, ये सब बिजनेस, क्योंकि उनके लिए अलग से स्कीम है, इसीलिए इनमें आपको PMEGP से लोन नहीं मिलेगा। फिर से एक बार बोल देता हूँ, अगर सिगरेट, बीड़ी, लिक्वर इस टाइप का बिजनेस, और एक है कि अगर इन्वायरमेंटल इशूज है जिस बिजनेस में लाइक कैरी बैग, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी अब गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इसमें आपको PMEGP का लोन नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अंडमान निकोबार में ऑटो रिक्शा और कश्मीर में हाउस बोट, ये दो में मिलता है, बाकी में आपको नहीं मिलेगा। और एक जो चीज़ है कि पश्मीना ऊल, ये सब जिससे आप हाथ से काम होता है, इसमें कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई मशीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता, इसमें आपको PMEGP लोन नहीं मिलेगा। आई थिंक क्लियर है। ये सब छोड़ के बाकी कुछ भी अगर आपका नया बिजनेस का प्लान हो तो आपको PMEGP लोन मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि ये जो लोन आपको मिलने वाला है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, जिसको कहते हैं मार्जिन मनी। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैटेगरी में पढ़ते हैं। इसमें दो कैटेगरी है, एक है जनरल कैटेगरी और एक है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और स्पेशल कैटेगरी। ये स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन पढ़ता है दोस्तों, मैं सिंप्लीफाई करके आपको मैं बताऊंगा, जो नॉर्मल कोर्स में आप लिस्ट में देख ही पाएंगे, लेकिन वेरी सिंपली, एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी मेल, अगर पुरुष हो माने इफ यू आर अ मेल एंड जनरल कैटेगरी, बाकी छोड़ के बाकी सभी स्पेशल कैटेगरी में पड़ता है। इवन अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में घर हो तो वो भी स्पेशल कैटेगरी में इंक्लूडेड होगा, अगर आप मेल भी हुआ जनरल कैटेगरी में तो वो भी आपका स्पेशल में इंक्लूड हो जाएगा। मोटे मोटे तौर पे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन एंड सेंट्रल इंडियन के लिए, सेंट्रल इंडिया के लिए जो जनरल कैटेगरी का मेल को छोड़ के बाकी सब स्पेशल कैटेगरी में पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी करें उसमें तो आप पता ही होगा, SC ST ओमन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, हिली रीजियन, बॉर्डर रीजियन, सब कुछ इंक्लूडेड है स्पेशल कैटेगरी में, सिर्फ जनरल कैटेगरी का मेल एक्सक्लूडेड है, वो भी नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल थिंग, इसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। ये है जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी का मेल नहीं हो तो आप स्पेशल कैटेगरी में पढ़ते हो, मतलब वुमन भी स्पेशल कैटेगरी में पढ़ते हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं तो ओनली 5%, अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट हो तो 50,000 आपको देना है, बाकी गवर्नमेंट सब बैंक आपको लोन देगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में पढ़ते हैं, मतलब मोटे मोटे जनरल मेल हो, तो आपको 10%, मतलब 10 लाख में 1 लाख आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आई थिंक मार्जिन मनी में आपको वेरी क्लियर हो चुका है कि अगर आप जनरल में पढ़ते हो, जनरल मेल ऑफकोर्स, बिकॉज फीमेल तो स्पेशल कैटेगरी में चला जाता है, जनरल मेल में पढ़ते हो तो ओनली 10% मार्जिन मनी, और अगर आप स्पेशल कैटेगरी बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसमें ऑलमोस्ट सभी है एक्सेप्ट जनरल मेल, उसमें आपको 5% आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है सब्सिडी, जिसके लिए ये लोन पॉपुलर है। इसमें मैं बताना चाहूंगा, ये जो सब्सिडी है ये प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है, अर्बन में हो रहा है ना रूरल में हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई रिपीट, प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है, आपका घर कहाँ है, इसके ऊपर नहीं, आपका प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक जो चीज़ है, आप जनरल में कैटेगरी में है, वही जनरल मेल है ना, आप बाकी में मतलब स्पेशल कैटेगरी में रहता है, ये दो क्राइटेरिया है। इसका मैं एक चार्ट करके आपको समझाता हूँ, जिससे आपको ये टोटली क्लियर हो जाएगा ये सब्सिडी कितना है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर दो कैटेगरी है, एक है अर्बन, एक है रूरल। ये जो अर्बन रूरल है ना, मतलब आपका घर रूरल में ही होना चाहिए,
लेकिन आपका प्रोजेक्ट अर्बन नहीं तो रूरल में दो जगह पे आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको गांव में ही आपका जो फैक्ट्री है, गांव में ही आपका जो शॉप है खोलना है, आप कोई अर्बन एरिया में भी खोल सकते हैं, लेकिन उसमें सब्सिडी का थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में है, मतलब वही मैं पैसे जैसे पहले आपको बताया कि जनरल मेल, क्योंकि देखिए यहाँ पर वुमेन ऑलरेडी है स्पेशल कैटेगरी में, तो मतलब जनरल मेल पे आप हैं, तो अगर आप अर्बन एरिया में आपका जो बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उनका 15% सब्सिडी आपको मिलेगा। और अगर आप रूरल एरिया में आपका बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जनरल मेल हो, तो आप 25% तक, 10 लाख में 2.5 लाख तक आपको सब्सिडी मिल सकता है। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हो, मतलब स्पेशल में ऑलमोस्ट एवरीवन है एक्सेप्ट जनरल मेल, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, इन हिल रीजन, बॉर्डर, सब कुछ, ऑलमोस्ट सब। इनफैक्ट जनरल कैटेगरी में मतलब अगर एक्स सर्विसमैन हुआ उसको भी मिलेगा, फिजिकल हैंडीकैप्ड हुआ उसको भी मिलेगा। मतलब क्या, मतलब जनरल मेल को, मतलब नॉर्मल जो मेल है उनको छोड़ के बाकी सभी स्पेशल कैटेगरी में है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आई डोंट नो जनरल मेल क्या गुना किया है, वो कोई और टॉपिक का डिस्कशन है, पर इसमें ऐसा ही है। और उसमें अगर आप स्पेशल कैटेगरी में पढ़ते हैं तो अर्बन में 25% सब्सिडी मिलेगा अगर अर्बन एरिया में आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, और रूरल में आप करना चाहते हैं तो 35% हो सकता है। अगर इसीलिए इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड, मतलब लोग करता भी है कि आपका बीवी के नाम पे बिजनेस करते हैं, ठीक है, अगर कोई एससी एसटी है तो वो ठीक है, अगर आप जनरल है तो आपका बीवी की, अगर बीवी बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो इट इज़ ऑलवेज वाइज टू टेक लोन इन PMAGP आपका बीवी के नाम पे, नहीं तो आपका बहन के नाम के, आपका मम्मी के नाम पे, अगर वो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको 35% तक सब्सिडी मिल जाएगा। इज़ ए ह्यूज अमाउंट, 10 लाख में आपको 3.5 लाख तक आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगा। अगर आप 20 लाख ले रहे हैं तो आपको 7 लाख गवर्नमेंट दे देगा। ये आई थिंक वेरी बिग अमाउंट, यानी कि आपको जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे बैंक को, मोस्ट जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट आपको दे देगा। तो दोस्तों, अब ये जो सब्सिडी का कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये सब्सिडी जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो बैंक को भेज देगा। और ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट बैंक 3 साल के लिए नॉन इंटरेस्ट बियरिंग फिक्स डिपॉजिट करके रख देगा। मतलब ये अमाउंट 3 साल तक लॉक होके रहेगा बैंक में, उसमें बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। सिंपली एक नॉन इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट करके आपके लोन के साथ ये रख दिया जाएगा। ये सब्सिडी तभी आपको मिलेगा अगर आप ठीक से लोन चलाएंगे। अगर आपको खराब हो गया तो ये सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा 3 साल में। दूसरा जो कंडीशन है कि 3 साल में जो वर्किंग कैपिटल आपको देगा, मतलब डे टू डे काम के लिए ये वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन कितना मिलेगा मैं बाद में आपको समझाता हूँ, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल आपको मिलेगा वो 3 साल में एटलीस्ट वह एक बार 100% यूटिलाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्सिडी के लिए आप लोन लिया और आप लोन यूज़ नहीं कर रहे हैं तब ये सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा। और नॉर्मल कोर्स में एटलीस्ट 75% आपका जो वर्किंग कैपिटल, मतलब कैश क्रेडिट जो है वो यूटिलाइज होना चाहिए। अगर कोई आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये जो सब्सिडी है बैंक फिर से गवर्नमेंट को लौटा देगा। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, आपका लोन ठीक से चलना चाहिए और आपका वर्किंग कैपिटल, मतलब कैश क्रेडिट पोर्शन जो होगा वो उसको एटलीस्ट 75% तक यूटिलाइज हो जाना चाहिए, एंड 3 साल में एटलीस्ट एक बार 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो 3 साल बाद बैंक वो सब्सिडी फिक्स डिपॉजिट तोड़ के, जो नॉन इंटर, मतलब जो सब्सिडी रहेगा 3 साल के बाद वही रहेगा, वो तोड़ के आपका जो लोन अकाउंट में है उसमें क्रेडिट कर देगा। आपका हाथ में नहीं मिलेगा, ये आपका जो लोन अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर देगा। इससे क्या होगा कि आपका लोन का रिपेमेंट बहुत घट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आई थिंक PMAGP का जो बेसिक नॉलेज आपको चाहिए था वो अब तक मिल चुका है, आपको पता चल गया है कि ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। एंड अगर आप
नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका मन में कुछ प्लान है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप आज ही PMEGP में अप्लाई करिए। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे मैं ये अप्लाई कर पाऊंगा। अब इस बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हाँ, बुक्स में नॉर्म्स में बहुत सारे चीज होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकल में आप वो करेंगे तो बहुत सारे चांसेस होता है कि वो ना हो। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन में एप्लीकेशन कर दीजिए तो उससे आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इतना ईजी नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है ऑनलाइन अप्लाई करना, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके आपका जो डिटेल है, आप कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आपका ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं। ये ट्रेनिंग ये है कि एक्चुअली ये PMEGP लोन लेने के लिए एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है। बहुत सारे है कि पहले अप्लाई किया है, ट्रेनिंग लिया है, लेकिन बैंक ने सैंक्शन नहीं किया। अगर आपका पहले से ट्रेनिंग है तो आपको फ्रेश ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एटलीस्ट 10 डेज का एक DIC एक ट्रेनिंग देता है गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो है कि नहीं ये सब डेटा, कौन सा प्रोजेक्ट आप देना चाहते हैं, ये सब ऑनलाइन में आपको फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड पॉपुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। लास्ट जो पार्ट है मैं डिस्कस करना चाहूंगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड पॉपुलेशन सर्टिफिकेट। इसमें पॉपुलेशन सर्टिफिकेट आपका पंचायत से आपको मिल जाएगा, कितना पॉपुलेशन है, क्योंकि आपको रूरल में होना चाहिए, नहीं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो वो सर्टिफिकेट इजीली आप पंचायत से ले सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको कहां से मिलेगा। दोस्तों KBIC के साइड में ही कुछ जो मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो वहां से अपलोड वो ऑलरेडी कर चुके हैं, वहां से आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये थोड़ा प्रोफेशनल किसी से करवाइए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, उसमें 50-60-70% ही बैंक तक पहुंच पाते हैं, उसके बाद फिर से बैंक छटते हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही नहीं हुआ, सब जो कर रहा है वो भी आप भी किया करेंगे, तो बहुत सारे चांस होगा कि आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो अगर हो सके आप खुद बनाइए, दिल से बनाइए, सच में आप जो करना चाहते हैं वो आप लिखिए, आपका प्रॉपर प्लान लिखिए, उसमें कैसे आपको आपका जो बिजनेस है उसको ग्रो करेंगे, आपका मार्केट कहाँ है, कौन कौन सा है एरिया है जो आपसे आपका जो प्रोड्यूस है वो खरीदेगा, आप कैसे लोन शोध कर पाएंगे, ये कुछ बेसिक एरिया ये इसमें आप फोकस कीजिए, जैसे कि जो इंटरव्यू आपको लेंगे वो कन्विंस हो जाए कि हाँ ये बंदा सच में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं हो कि सभी जैसे किसी से प्रिंट आउट लेके, बहुत सारे लोग वही करते हैं, किसी से रिपोर्ट लेके सबमिट कर देते हैं। अब कितना अच्छा लिख रहा है, इससे अच्छा है कि आप कितना दिल से लिख रहा है और कितना सच लिख रहा है वो मायने रखता है। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो बिजनेस प्लान है वो जो प्लान है वो उसमें ठीक से लिखिए। इससे क्या होगा, जो ऑफिशियल आपका इंटरव्यू लेगा वो सोचेगा हाँ ये बंदा सच्चा है, इसको लोन देना चाहिए। तो ठीक है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब अपलोड कर दीजिए, ऐसे ऑनलाइन से आप अप्लाई कर पाएंगे। इनका जो डिटेल है वो मैं किसी और वीडियो में आपको एक डेमो करके आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और एक जो ऑप्शन है एज बिकॉज ये जो ये चीज है ये KVIC डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, खादी जो इंडस्ट्री का जो कंट्रोलर है वो इम्प्लीमेंट करता है। तो आप ये KVIC ऑफिस में जाके खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसके पास जाके डायरेक्टली हार्ड कॉपी से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आई थिंक इसमें थोड़ा डिजिटल इंडिया से बाहर आके बोलना चाहूँगा, इट इज बेटर टू अप्लाई थ्रू हार्ड कॉपी, ठीक है, मुझे नेगेटिव मत समझिएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे हार्ड कॉपी भी अप्लाई करेंगे वो लोग भी ये साइट के भी साइट में ही अपलोड करेगा। यहाँ पर आप अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप KVIC डिपार्टमेंट में हार्ड कॉपी देंगे वो भी साइट में अपलोड ही कर देगा, घुमा फिरा के वो ऑनलाइन ही हो जाएगा। लेकिन वहाँ से करने से क्या होगा कि आपका वो लोग थोड़ा आपको गाइडेंस देता है, ठीक है, आपको पता चलता है कि कितना लोग अप्लाई कर रहे हैं,
ऐसा करने आ हूं कि आप जो करना चाहते हैं बाकी 50, 60, 100 लोग वो ही प्रोजेक्ट सबमिट किया हो, सभी अगर कहे कि हम कोई एक पर्टिकुलर चीज मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, एक ही एरिया से 10 लोग कहें कि हाँ मैं एक ही चीज को आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका लोन पाने का चांस घट जाएगा। ऐसा कि कुछ अप्लाई कीजिए जिसमें कि हाँ उस एरिया में ज्यादा लोग अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि एक ही चीज अगर सभी अप्लाई करने लगे ना तो इससे क्या होगा आपका प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है। तो इसीलिए अगर थोड़ा KVIC ऑफिस में जाकर आप फिजिकली अप्लाई करेंगे तो इससे थोड़ा आपको आइडिया आएगा कि बाकी सब भी क्या क्या कर रहा है। ठीक है, ये टोटली अनऑफिशियल है, ये आपको कोई गाइडलाइन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप ये जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, एक आप करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के बाद क्या होगा, ये KVIC डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ कोऑर्डिनेट करके क्या करेगा, एक इंटरव्यू में आपको बुलाएगा। ओके, फॉर स्क्रीनिंग, मतलब अगर 100 लोग अप्लाई किया तो 100 लोग को ही वो बैंक में नहीं भेजेगा। हाँ, आप जो ऑनलाइन में बा ऑफलाइन में अप्लाई करेंगे आपको पूछेगा कि कौन सा बैंक का कौन सा ब्रांच से आप लेना चाहते हैं। ठीक है, स्पेशली वो पूछता है कौन सा बैंक से लेना चाहते हैं और आपका जो एरिया है वहाँ पर जो वो सर्विस एरिया, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट में सर्विस एरिया का एक कॉन्सेप्ट है, उस एरिया में जो बैंक पड़ता है, अगर आप स्टेट बैंक में कह रहे हैं तो उस एरिया में जो स्टेट बैंक है वहाँ पर वो प्रपोजल भेज देता है। ठीक है, तो क्या करेगा, KVIC डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बात करके एक बैंक का ऑफिशियल को लेके एक इंटरव्यू में आपको बुलाएगा। ठीक है, ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले मैं क्या बोला, आप प्रोजेक्ट दिल से लिखिए, इसीलिए लिखिए क्योंकि आज आप इंटरव्यू में आपसे वो पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, जो आपका पेपर में है वो ही आप बोल पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ एक लिखा है और जब इंटरव्यू में बोलने जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या लिखा है तो कुछ और बोल के आ जाता है। इससे क्या होगा कि वो इनिशियल स्क्रीनिंग में ही ना वो जो आपका प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि प्रोजेक्ट खुद लिखिए, उससे क्या होगा कि आप वो इंटरव्यू बोर्ड को भी कन्विंस कर पाएंगे, आपका बैंकर को भी कन्विंस करेंगे। हाँ, अगर इंटरव्यू लेता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, मतलब आप आर यू सीरियस और नॉट, ये चेक करता है। ये स्क्रीनिंग के बाद वो लोग कुछ प्रपोजल को छाट देते हैं और बाकी प्रपोजल को जो जो बैंक में आप सिलेक्ट की, जो जिस बैंक में सिलेक्ट किया है उस ब्रांच में, लोकल जो ब्रांच है वहाँ पर भेज देता है। ठीक है, ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। एप्लीकेशन के बाद कैसे होता है, वो प्रपोजल आप ब्रांच के पास आके आ गया। इसके बाद क्या होगा कि ब्रांच ये प्रपोजल देखने के बाद आपके पास आपका जो यूनिट है आप एक इंस्पेक्शन करेगा, अगर नया है कहाँ पर, अगर कोई लैंड है कि ये है क्या है, वो बैंक इंस्पेक्शन करता है। बेसिक इंस्पेक्शन के बाद बैंक एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन देता है KVIC को कि हाँ, मतलब इंस्पेक्शन करता है और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट वो कलेक्ट करता है, जैसे कि अगर बिजनेस आपका नाम में हो, मतलब जो जगह पे आप बिजनेस करता है वो लैंड आपका हो तो उसका कॉपी, ठीक है, आपका नहीं हो तो किसी रेंट पे हो तो रेंट एग्रीमेंट, ठीक है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, अगर कोई ट्रेड लाइसेंस बिजनेस करना चाहते हैं तो पंचायत से ट्रेड लाइसेंस, कुछ ऐसा बिजनेस कर रहा है जहां पर पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट चाहिए वहां वो भी दे, वो सब डॉक्यूमेंट बैंक कलेक्ट करके एक डिसाइड करता है कि हाँ ये बंदा को लोन देंगे ना नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो वो चिट्ठी लेकर भेज देता है KVIC डिपार्टमेंट की, हाँ ये प्रपोजल मैंने रिजेक्ट किया है। अगर आप बोलता है कि हाँ देंगे, तब क्या होता है कि KVIC डिपार्टमेंट आपको बुलाएगा ट्रेनिंग के लिए। अगर देता है तो वो चिट्ठी करके बोलता है कि हाँ मैंने चूज कर दिया। उस ट्रेनिंग में 10 दिन का एक ट्रेनिंग होता है, ठीक है, उस ट्रेनिंग आप अटेंड कीजिए, उसमें एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट आप ब्रांच में जमा कीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि सिक्योरिटी क्या बैंक मांगेगा। ठीक है, इतने तक तो ठीक है, बैंक के पास प्रपोजल आ गया है, अब क्वेश्चन है कि बैंक सिक्योरिटी क्या मांगेगा। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा, 10 लाख तक एज पर RBI गाइडलाइन कोई भी सिक्योरिटी बैंक नहीं मांग सकता। मतलब ट्रेड सेक्टर में तो आप 10 लाख ही अप्लाई कर पाएंगे, मतलब अगर ट्रेड सर्विस हो तो आप कुछ भी अप्लाई कीजिए, बैंक 10 लाख तक बैंक सिक्योरिटी नहीं मांगेगा।
अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो अबव 6 लाख से CGT MEC कवर मिल जाता है। गवर्नमेंट का एक क्रेडिट गारंटी का स्कीम है जिसमें CGT MEC कवर आपको मिल जाएगा, मतलब कोई भी अमाउंट हो बैंक सिक्योरिटी नहीं मांगेगा। अगर मांगता भी है कोशिश कीजिए कि जो लिक्विड सिक्योरिटी होता है जैसे कि LIC का सरेंडर वैल्यू, NSE के भी फिक्स डिपॉजिट, ये सब दे दिया जाए। ठीक है, ये सब सिक्योरिटी, ये सब देख के बाद बैंक क्या करता है, आपका जो ट्रेनिंग का कॉपी है वो लेकर वो बैंक करता है कि आपको कितना टर्म लोन चाहिए, कितना कैश क्रेडिट चाहिए, वो डिसाइड करता है। टर्म लोन मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, आप कौन कौन मशीन खरीदना चाहता है, कैसे घर कैसे बनाएंगे, ये सब के लिए बैंक टर्म लोन से करते हैं। और एक बार साइकिलिंग, एक वर्किंग कैपिटल साइकिल वो कैश क्रेडिट के हिसाब से देता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल मतलब आप रॉ मटेरियल को लेके उसको कन्वर्ट करके मार्केट तक भेजने तक एक जो साइकिल में जितना कॉस्टिंग होगा वो बैंक आपको कैश क्रेडिट करके देगा। ठीक है, इसी तरह से आप ट्रेनिंग के बाद बैंक अगर हुआ तो आप उसमें आप बैंक सैंक्शन कर देगा। सैंक्शन के बाद बैंक एक लेटर वो साइट में अपलोड कर देता है कि मैंने सैंक्शन कर दिया, सब कुछ हो गया, मुझे सब्सिडी भेजिए। फिर क्या होगा, KVIC डिपार्टमेंट बैंक को सब्सिडी भेजेगा और वो सब्सिडी बैंक 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करके रख देगा। ठीक है, तो एक जो लास्ट जो हिस्सा वो सिक्योरिटी पोर्शन। दोस्तों अगर आप ठीक से कन्विंस प्रोजेक्ट ठीक से करें, आप दिल से बिजनेस करना चाहें तो बैंकर आपको CGT MEC कवर में ही आपको 25 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 10 लाख तक नॉर्मल में ही RBI गाइडलाइंस के हिसाब से विदाउट एनी सिक्योरिटी आपको लोन दे देता है। ठीक है, तो दोस्तों होप ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगा PMAGP लोन लेने पे, और जो जो डाउट था होप कि मैंने क्लियर कर पाया। अगर और कुछ आपका कोई डाउट है PMAGP की लोन के बारे में तो प्लीज़ कॉमेंट में लिखिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।